बड़ी खबर इस वक्त की दिल्ली से सामने आ रही है। मोदी कैबिनेट विस्तार से पहला बड़ा फेरबदल हुआ है। केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने इस्तीफा दिया है। निशंक ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दिया है। केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने भी इस्तीफा दिया है। वहीं केंद्र श्रम मंत्री थे संतोष गंगवार। तो बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां मोदी कैबिनेट विस्तार से पहला बड़ा फेरबदल सामने आया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो धर्मेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से मोदी कैबिनेट विस्तार में पहला फेरबदल देखने को मिला है, क्या कुछ कहना है आपका? बिल्कुल, अगर बात करें ताजी जानकारी के मुताबिक, जिस तरह से प्राइम टीवी को जानकारियां मिली हैं उसके मुताबिक मंत्रिमंडल विस्तार जो हो रहा है, मोदी का ये पहला मंत्रिमंडल विस्तार है जो कि हो रहा है। इसमें दलित और पिछड़ी जातियों का प्रतिनिधित्व जो है इसके माध्यम से बड़ा मैसेज दी जाने की तैयारी कर ली है मोदी सरकार ने। विस्तार में कयास लगाए जा रहे हैं कम से कम 25 ओबीसी जो है वो मंत्री बनाए जा सकते हैं। और जिस तरह से मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है और कुछ मंत्री कम भी किए जा रहे हैं, उसको देखते हुए जो मोदी सरकार के दो बड़े मंत्री थे जिनमें रमेश पोखरियाल भी शामिल है, उन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया है। तो ये उम्मीद लगाई जा रही है कि मोदी का जो ये पहला मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है उसमें बहुत बड़ी हलचल और चुनावी समीकरण को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव भी सामने ही है और दूसरी तरफ इनको बंगाल की बात करें तो बंगाल में ममता बनर्जी को भी घेर के रखना है। तो इस प्रकार से सारे समीकरण को जोड़ तोड़ कर केंद्रीय मंत्रिमंडल का अब आज विस्तार होने का जो बात की जा रही है, शाम तक उस पर मोहर लग जाएगी और मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। अगर राजनीतिक हलचल की बात करें तो ये मान के चलिए कि केंद्रीय कैबिनेट में बदलाव का जो काउंटडाउन लगभग शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी की अगर बात करें तो शाम तक इनकी बात की जा रही है कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। अगर आला कमान की बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया से लेकर नारायण राणे जैसे दिग्गज जो हैं वो फिलहाल दिल्ली पहुंच चुके हैं, वहां अपना डेरा डाले हुए हैं और बस अभी ये उम्मीद लगाई जा रही है, ये बात खुलकर सामने नहीं आई है कि किस मंत्री को कौन सा पद, किस व्यक्ति को कौन सा पद मंत्री पद दिया जाएगा। लेकिन जिस तरह की तैयारियां हैं, ये भी कहा जा रहा है कि युवा चेहरों को मौका मिलेगा, जिससे और ऐसे युवा जो कि अपने क्षेत्र में जिनकी पकड़ खासी लोगों ने बनाकर रखी हो वो नए चेहरे के रूप में मंत्रिमंडल में देखे जा सकते हैं। जी धर्मेंद्र जी, क्या लगता है आपको चुनाव पर इसका कितना असर पड़ने वाला है? देखिए, चुनाव को ही जहां तक माना जा रहा है कि चुनाव को ही ध्यान में रखते हुए ये मंत्रिमंडल में इसके विस्तार में जिन लोगों को रखा जाएगा, अगर उत्तर प्रदेश की ही बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिलाकर करीब 10 मंत्री ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश के इस समय मंत्रिमंडल में हैं। और जो अभी जिस तरह के समीकरण बदले हैं यूपी के साथ साथ बंगाल, महाराष्ट्र और गुजरात मंत्रिमंडल जो है ये भी चार राज्य जो है वो फोकस में है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के लिए चैलेंज बनाए रखना भाजपा के लिए बड़ी चुनौती है। ऐसी सूरत में जो बीजेपी के सांसद हैं शांतनु ठाकुर, उनका नाम जो है बहुत चर्चा में चल रहा है इस लिस्ट में। दूसरे नाम की बात करें तो निशित प्रमाणिक जो है उनका नाम भी चर्चा में चल रहा है, क्योंकि राजवंशी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं वो और 2019 में टीएमसी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। नारायण राणे की बात चल रही है महाराष्ट्र से, जो कि पहले शिवसेना में हुआ करते थे और बाद में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। वहां पर जो आरक्षण को लेकर एक मुद्दा गरमाया हुआ महाराष्ट्र में, उसको देखते हुए नारायण राणे को शामिल किए जाने पर कयास लगा जा रहे हैं। अगर ब्रह्मचर्य की बात करें तो उत्तर प्रदेश से रीता बहुगुणा जो कि सांसद है प्रयागराज से, सत्यदेव पचौरी जो सांसद है कानपुर से, हरीश द्विवेदी की बात करें जो सांसद है बस्ती से, खीरी से अजय मिश्रा की का जो नाम है वो बहुत ही सुर्खियों में चल रहा है इस समय। और ये उम्मीद लगाई जा रही है क्योंकि ये भी माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में कोरोना काल और जो पिछला जो कार्यकाल रहा है, कोरोना के अलावा जो कार्यकाल रहा है भाजपा सरकार का, उसमें जो हलचल हुई है, जो उठापटक हुई है, उसको देखते हुए उन मामलों को शांत करके दोबारा अपनी सत्ता पर मजबूती बनाए रखने के लिए भाजपा इनमें से किसी को मौका दे सकती है और ब्राह्मण वोट जुटाने की पूरी पूरी कोशिश करेगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मोदी कैबिनेट विस्तार में बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने इस्तीफा दिया और साथ ही निशंक ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के पद से अपना इस्तीफा दिया है। केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने भी इस्तीफा दिया है। केंद्र श्रम मंत्री थे संतोष गंगवार, जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां मोदी कैबिनेट विस्तार से पहले बड़ा फेरबदल देखने को मिला है।
फिलहाल रुकते हैं एक शॉर्ट से ब्रेक के लिए, आपका ही मजा आएगा, देखते रहिए प्राइम टीवी।